सैलाब बेहिसाब है और आफत भी हजार है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों की बात करें तो पानी का प्रहार हाहाकार मचा रहा है। पांच तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पंजाब के पठानकोट में तो सिविल अस्पताल में ही पानी भर गया है। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से अस्पताल की बिजली भी गुल हो गई है। उत्तराखंड में तो मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान आ चुका है और अब नदी उफनती नदियों में पार करते हुए बच्चों की तस्वीरें भी अब आम हो गई है, जो मजबूर है इस हालात में ये तरीका अपनाने को। ऐसे ही हाल उत्तराखंड के चमोली के भी हैं। यहाँ एक उफनते नाले को लोग पार करते दिख रहे हैं। बारिश और बाढ़ से ही नहीं बल्कि पहाड़ दरकने की घटनाओं से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे ही बंद हो गया है, तो महाराष्ट्र में पानी में एक तरफ सड़क गायब हो गई है तो दूसरी तरफ लोगों के बेसमेंट में पानी भर गया है। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें और खुद अपना मालिक बने। पंजाब के पठानकोट की अब मैं एक एक करके तस्वीर दिखाती हूं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद हाल बहुत बुरा है। यहां चंद घंटों की बारिश के बाद सिविल अस्पताल में पानी भर गया। अस्पताल के परिसर समेत कई वार्ड में पानी ने कब्जा जमा लिया है, जिसकी वजह से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पठानकोट में बादलों ने इस कदर कहर ढाया कि अस्पताल की बिजली ही गुल हो गई। अस्पताल में पानी भरने के बाद आनन फानन में मरीजों को शिफ्ट करने का सिलसिला शुरू हुआ। बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। तेज बारिश की वजह से नदी नालों में उफान है और लोगों के पास उन्हें जान जोखिम में डालकर रास्ता तय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता है। उत्तरकाशी की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पुल पर सैलाब आ जाने की वजह से स्कूली बच्चों को अपनी जान दांव पर लगाकर नदी पार करनी पड़ रही है। जरा सी चूक इन बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन मजबूरी में इन बच्चों को जानलेवा सफर करना ही पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन की ओर से कई लोगों को रोकने के बावजूद भी ये सब कुछ इसी तरह से जारी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश, सिविल अस्पताल में भरा पानी, मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, जल भराव से लोगों को हुई परेशानी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते स्कूली बच्चे। उत्तराखंड के चमोली में रास्ता बंद होने से फंसी एम्बुलेंस, एसडीआरएफ की टीम ने मरीज को पार कराया नाला। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भारी बारिश ने मचाई तबाही, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान, पार्किंग में खड़ी कार पूरी तरह डूबी। केरल के कोच्चि में भारी बारिश के बाद पूरा इलाका टापू में तब्दील, सड़कों में भरा बारिश का पानी। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, मियांपल्ली इलाके में पानी में फंसे दो लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू किया। तमिलनाडु में सैलाब से संकट गहराया, मुकुब्बू बांध में बढ़ा जल स्तर, निचले इलाके में बढ़ा खतरा। तेलंगाना के जन गांव में पानी के तेज धाव में बहने लगा स्कूटर, सैलाब के बीच लोगों ने स्कूटर सवार को बचाया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में जमीन खिसकने की वजह से रेल की पटरी पर गिरे पत्थर, ट्रेन की आवाजाही बंद। पहाड़ों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से देखिए जमीन खिसकने की घटनाएं बढ़ गई हैं। लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीरें, पहाड़ खिसकने की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया है। सड़क पर मलबा आने से जहां दोनों तरफ लंबा जाम लग गया है, वहीं पहाड़ गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासन ने पहले तो रास्ता डायवर्ट किया, फिर मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। ये तस्वीरें देखिए, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है, क्योंकि ये देखिए पहाड़ दरक रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर उस पहाड़ से दरक कर नीचे आ रहे हैं सड़क पर और हाईवे पर जमा हो जा रहे हैं, जिस वजह से इस सड़क को बंद करना पड़ा है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद है, हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। ऐसी जगह जहां पर अमूमन लोग जाते हैं वीकेंड मनाने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश इस वक्त हो रही है, जो जहाँ है वो वहाँ ठहर गया है। और सिर्फ आवाजाही की बात नहीं है, बल्कि वो लोग जो
यहाँ से सामान लेकर बुनियादी जरूरतों का उधर जाते हैं पहाड़ों की साइड, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 5 तस्वीरें मैं दिखाने जा रही हूं, लोग परेशान कैसे हैं अंदाज लगाइए। तेलंगाना में थोड़ी सी बारिश के बाद पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। तमिलनाडु के जनगांव, नामक्कल और तिरुचिरापल्ली में निचले इलाके पानी में डूब गए हैं, तो वहीं जनगांव में तो 2 बाइक सवार पानी की धार में फंस गए हैं। लेकिन वक्त रहते आसपास मौजूद लोगों ने इनकी जान बचा ली। आंध्र प्रदेश का हाल ही में कुछ अलग ज्यादा हाल नहीं दिखता है, यहाँ भी आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बह गई स्कूटी, डूब गई कार, फंस गए लोग और स्कूल जाने के लिए जान की बाजी लगाते ये बच्चे। सैलाब काल की डराने वाली इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। सबसे पहले तेलंगाना के जनगांव से आए इस वीडियो को देखिए। ये महिला सड़क से नीचे गिर चुकी है, वहीं पास में ही महिला की स्कूटी गिरी हुई है। पानी का तेज बहाव है जिसकी चपेट में आकर महिला स्कूटी समेत बह जाती है। तुरंत ही आसपास के लोग महिला के रेस्क्यू के लिए आते हैं। 3 से 4 लोग कुछ इस तरह से रेस्क्यू में जुटते हैं और फिर महिला और उनकी स्कूटी का रेस्क्यू किया जाता है। ये महिला पेशे से टीचर है जो इस हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले की हैं। पुलिस मौजूद है, पब्लिक मौजूद है, सभी लोग पूरी ताकत से रस्सी को खींच रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रस्सी के दूसरे छोर पर सैलाब में फंसे हुए लोग हैं और ये लोग उनकी जान बचाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। आखिरकार न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। नंबर 1 न्यूज चैनल देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। नंबर 1 सच की राह पर चलने में आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़। न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल, देखते रहिए। नेशनल हेरल्ड केस में ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ईडी को जांच में कई फर्जी कंपनियों के सुराग मिले। सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने वित्तीय लेनदेन की जानकारी नहीं दी। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय रेलवे की खास तैयारी। रेलवे के 12,000 इंजन और 60,000 कोच पर लगेगा तिरंगा। रेलवे की ओर से तैयारियां शुरू।